बैकएंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं इनके लिए, कहां से आप इन्हें सीख सकते हो, इन दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस होते हैं, इनकी सैलरी में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या, आपको अपने करियर के लिए क्या चूज करना चाहिए इसमें से, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक देख के मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड में से क्या चूज करने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले होता क्या है फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। सो पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। सो आप जो भी वेबसाइट देखते हो, दुनिया में जो भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। सो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो और जो भी आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है, जो भी इमेजेस दिखती हैं, जो भी टेक्स्ट दिखता है, जो भी लिंक्स दिखते हैं, जो भी एनिमेशन दिखती हैं, वो सब फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं, उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड को यूजर इंटरफेस या UI भी बोल देते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें काम क्या करना होता है कि ये इमेज को हम कैसे प्लेस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे, ये बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में क्या चेंजेस आ जाएंगे, जब इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा अपनी आंखों के सामने, वो ये सब चीज़ें फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं। एंड बाकी फंक्शनैलिटी, जैसे अगर किसी ने ईमेल गलत भर दिया, ईमेल का फॉर्मेट ही गलत भर दिया, तो क्या उसे पॉपअप दिखाना है, वो कैसे दिखाना है, वो भी फ्रंट एंड का पार्ट होता है। सो ये सब टाइप की छोटी छोटी चीज़ें ये फ्रंट एंड डेवलपर्स ही हैंडल करते हैं, फ्रंट डेवलपमेंट का पार्ट होती है। सो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है इसमें। अब बात करते हैं बैकएंड की। सो बैकएंड किसी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जहां पे पूरा डेटा स्टोर रहता है और जहां पे वेबसाइट का पूरा लॉजिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी वेबसाइट पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हो तो फ्रंट एंड बैक एंड से पूछता है कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इसने कभी अकाउंट बनाया भी था या नहीं, और ये जो इसका पासवर्ड है वो सही भी है या नहीं। तो ये सब चीजें बैक एंड फ्रंट एंड को बताता है। Another example is, जब आप Amazon या Flipkart पे सर्च करते हो, फॉर example टीवी के लिए, अगर आपने सर्च किया टीवीज अंडर 30,000 रुपीज, तो फ्रंट एंड बैक एंड से पूछेगा कि मुझे ये सब टीवीज की लिस्ट लाके दे दो जिसका प्राइस 30,000 से नीचे है। तो बैक एंड के पास पूरा डेटा रहता है हर टाइप के टीवी का, तो वो देखेगा कि किसका प्राइस 30,000 के नीचे है और वो फ्रंट एंड को रिटर्न कर देगा वो डेटा। फिर फ्रंट एंड उस डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा आपके सामने। तो ये काम होता है बैकएंड का कि पूरे डेटा को स्टोर करके रखना और फ्रंटएंड जैसे डेटा मांगेगा उसको उस फॉर्म में दे देना। सो फ्रंटएंड और बैकएंड आपस में बातें करते रहते हैं। वो बातें कैसे करते हैं, वो APIs के थ्रू करते हैं, जिसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। गाइज, बिफोर वी मूव ऑन विद दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कोडिंग निंजास। सो कोडिंग निंजास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी है एंड हैज टॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स। वहां पे आपको हर चीज के कोर्सेज मिलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। C++, जावा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, हर चीज के आपको कोर्स मिलेंगे वहां पे। एंड देयर एक्सेप्शनल कंटेंट इज क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIT, स्टैनफोर्ड, फेसबुक, Amazon एंड अदर सच बिग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको वहां पे 1-on-1 डाउट रिजॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगा। आपके डाउट्स 1 से 2 घंटे के बीच में ही रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको 1000+ क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो कि Amazon, Google, Facebook इन कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप Google और Facebook रिव्यूज भी देख सकते हो कोडिंग निंजास के, दोनों में ही इसकी रेटिंग 4.9 है। देयर कोर्सेज आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, और अगर आप उसमें एफर्ट डालोगे, आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे, देन दे आर मोर देन इनफ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। आप अपनी कोई भी ड्रीम टेक जॉब ले सकते हो कोर्सेज करके। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो यूज करके आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। पहले फ्रंट एंड की बात करें तो आपको HTML और CSS तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क भी कोई आना चाहिए, एंड ये फ्रेमवर्क्स मोस्टली जावास्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं। पहले jQuery काफी यूज होता था, लेकिन आजकल उसका यूज बहुत कम हो गया है। आजकल React.js, Angular.js, Vue.js इन सब फ्रेमवर्क्स का जमाना है। हर फ्रेमवर्क के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और आपको यूज करने से पहले वो सब पता होने चाहिए। देन बात करते हैं बैक एंड की। सो बैक एंड के लिए भी आपको एक बैक एंड का फ्रेमवर्क आना चाहिए और एक डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। आपको मैं कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स बता देता हूँ बैक एंड के जो यूज होते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के लिए Node.js इज अ वेरी कॉमन फ्रेमवर्क, जावा के लिए स्प्रिंग बूट, पाइथन के लिए जेंगो, रूबी में रूबी ऑन रेल्स। तो ये 4 काफी कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बैकएंड में यूज होते हैं। देन आपको एक डेटाबेस भी आना चाहिए। तो डेटाबेस भी काफी सारे होते हैं, मेनली SQL और NoSQL। सो SQL में मोस्टली MySQL और Postgres यूज होता है, एंड NoSQL में MongoDB,
डायनमो डीबी, कैसेंड्रा, ये काफी कॉमन है। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजीज में मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ ताकि बाकी लोग भी देख पाए। अब ये सब चीजें सीखे कहां से, इसके लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं? सो ये सब चीजें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। YouTube पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप ये सीख सकते हो। कुछ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। कुछ ये कोर्स फ्री कोड कैम्प के हैं, कुछ कोड विद हैरी के हैं, कुछ प्रोग्रामिंग विद मोश के हैं, कुछ टेलिस्को के हैं। तो काफी जगह पे आपको फ्री में ये सीखने के लिए मिल जाएंगे रिसोर्सेज। अगर आपको कोई और बेटर रिसोर्सेज पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो ताकि बाकी लोग देख पाए। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरीज की। सो फ्रंट एंड और बैक एंड की जॉब अपॉर्चुनिटीज में कोई डिफरेंस रहता है क्या, और इनकी सैलरी में भी कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसकी बात अब हम करेंगे। तो अगर हम पॉपुलर जॉब सर्च वेबसाइट indeed.com की माने तो बैक एंड डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा रहती है फ्रंट एंड डेवलपर्स से। एंड अगर हम सैलरीज की बात करें indeed.com के हिसाब से तो इंडिया और US दोनों में बैक एंड डेवलपर्स की सैलरी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी है 6 lakhs एंड बैक एंड डेवलपर की है 7 lakhs। सिमिलरली US में फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी है $103,000 एंड बैक एंड डेवलपर की है अराउंड $118,000। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है, जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया है। सो हर कंपनी में बैक एंड डेवलपर्स ज्यादा होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स कम होते हैं। अगर बैक एंड डेवलपर्स किसी कंपनी में 100 हैं, सो फ्रंट एंड में सिर्फ 20-25 लोग ही होते हैं। इसका रीजन ये है कि किसी भी वेबसाइट का बैक एंड बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और उसे हैंडल करने के लिए काफी लोगों की जरूरत होती है। बट फ्रंट एंड इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसमें इतना कोड भी नहीं होता, सो कम इंजीनियर से ही काम चल जाता है। एंड जितना मैंने देखा है फ्रंट एंड डेवलपर्स की सैलरीज भी थोड़ी सी कम होती हैं बैक एंड वालों से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जॉब्स है ही नहीं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, और सबको फ्रंट एंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। बट ये कहना सही होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट बैक एंड डेवलपर्स से कम होती है। नाउ विच वन टू चूज। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट होता क्या है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, किस में सैलरीज ज्यादा हैं। सो इनमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए? देखो, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको सोचना कैसे है और डिसाइड कैसे करना है। देखो, अगर आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, या आपका डिजाइन सेंस अच्छा है, या आपको कोड के थ्रू एनिमेशंस बनाना अच्छा लगता है, अपने कोड के थ्रू बटन्स, इमेजेस, इन सबको इधर उधर मूव करना अच्छा लगता है, आपको अपने कोड का आउटपुट सीधा ब्राउजर में देख के मजा आता है, अच्छा लगता है, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज करनी चाहिए। बट अगर आपको ये सब चीजें इतनी अपीलिंग नहीं लगती, बट आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, एल्गोस के साथ खेलने में मजा आता है, सर्वर्स के साथ खेलने में मजा आता है, शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह करने में मजा आता है, या ये सब चीजें अपीलिंग लगती हैं, आपको वैसा बनना है, देन बैक एंड डेवलपमेंट इज फॉर यू। सो द चॉइस इज योर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या चूज करने वाले हो इनमें से। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।